हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड जीके स्टडी। फ्रेंड्स, आज के स्टडी में हम लोग जानेंगे झारखंड के प्रमुख मंदिर के बारे में, यानी कि झारखंड में कितने मंदिर हैं और कौन से मंदिर कहां पर स्थित हैं, और जो सभी मंदिर हैं उसका स्थापना कौन कौन किए हैं, तो उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्यनाथ मंदिर को किसने बसाया था। दोस्तों, वैद्यनाथ मंदिर तो देवघर जिले में स्थित है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, और दोस्तों, वैद्यनाथ मंदिर को जो बसाया था वो गिद्दौर राजवंश के 10वें राजा पूरन मल ने बसाया था। ठीक है दोस्तों, वैद्यनाथ मंदिर जो है वो 51 शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है, यानी कि भगवान शिव की मूर्ति है। ठीक है, और दोस्तों, वैद्यनाथ मंदिर में अगर कुल मंदिर पूछा जाए कि वैद्यनाथ मंदिर में कुल कितने मंदिर हैं, तो दोस्तों छोटे बड़े सभी मिला के 22 मंदिर हैं वैद्यनाथ मंदिर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बासुकीनाथ धाम मंदिर है उसका स्थापना किसने किया था। ठीक है, यह भी पूछा जाता है कि बासुकीनाथ धाम का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों, बासुकीनाथ धाम का जो निर्माण किया था वो किया था बासुकी ताती ने। ठीक है, आपको नाम से भी याद रह सकता है कि बासुकीनाथ धाम का जो निर्माण किया था वो किसने किया था, तो बासुकी ताती ने किया था और ये दुमका जिला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है छिन्नमस्तिका मंदिर। दोस्तों, छिन्नमस्तिका मंदिर को जो है रजरप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वो रामगढ़ जिले में स्थित है और दोस्तों ये दामोदर तथा भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, छिन्नमस्तिका मंदिर में माँ काली का एक धड़ से अलग सर वाली मूर्ति है, इसीलिए इसको छिन्नमस्तिका कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों उग्रतारा मंदिर, या फिर इसे नगर मंदिर भी बोला जाता है। दोस्तों, उग्रतारा मंदिर जो है वो लातेहार जिला में स्थित है और यहाँ पर माँ काली और माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर जो है वो इटखोरी में पड़ता है, जो दोस्तों चतरा जिले में स्थित है। दोस्तों, भद्रकाली मंदिर में माँ काली का मूर्ति है और इसमें कुल छोटे छोटे 1008 मूर्तियों का उल्लेख है। दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से मंदिर में 1008 मूर्तियों का उल्लेख है, तो आपका सही आंसर होगा भद्रकाली मंदिर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि कौन से मंदिर हिंदू बौद्ध तथा जैन धर्म के संगम पर स्थित है। दोस्तों, कोलेश्वरी मंदिर है जो कि हिंदू बौद्ध तथा जैन धर्म के संगम पर स्थित है, इसलिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों धर्म के संगम पर स्थित है। ठीक है, और दोस्तों कोलेश्वरी मंदिर जो है वो चतरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, महामाया मंदिर कौन से जिले में स्थित है और इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था। तो दोस्तों, महामाया मंदिर जो है वो गुमला जिले में स्थित है और इसका जो निर्माण करता है, यानी कि इसका जो निर्माण करवाया था वो राजा राजघंट ने 908 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, अगर दोस्तों आपको पूछा जाए कि महामाया मंदिर का जो पुरोहित है, यानी कि पुजारी होता है, वो कौन है, उसका नाम क्या है, तो दोस्तों महामाया मंदिर का जो पुजारी है वो हरिनाथ है। ठीक है, और दोस्तों महामाया मंदिर जो है वो माँ काली को समर्पित है, यानी कि माँ काली का यहाँ पर मंदिर है। इसके बाद है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण कब और किसने करवाया था। तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर जो है वो रांची में स्थित है और इसका निर्माण 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी सहदेव ने कराया था। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है बंसीधर मंदिर कौन से जिले में स्थित है और यह किस भगवान को समर्पित है। तो दोस्तों, बंसीधर मंदिर जो है वो गढ़वा जिले में स्थित है और यह भगवान कृष्ण को समर्पित है, यानी कि कृष्ण भगवान का यहाँ पर मूर्ति है। नेक्स्ट है दोस्तों, तपोवन मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, तपोवन मंदिर जो है वो देवघर में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है, यानी कि यहाँ पर भगवान शिव जी का मूर्ति है और यहाँ ऐसा माना जाता है दोस्तों यहाँ पर ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, माँ योगिनी मंदिर कौन से पहाड़ी पर स्थित है और कौन से जिले में है। दोस्तों, माँ योगिनी मंदिर जो है वो बारको पहाड़ी गोड्डा जिले में स्थित है। ठीक है, और इसका जो निर्माण करता है, यानी कि इसका जो निर्माण करवाया था वो चारुशिला देवी ने करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, युगल मंदिर कौन से जिले में स्थित है। दोस्तों, युगल मंदिर जो है वो देवघर जिले में स्थित है और इसे दोस्तों नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, सूर्य मंदिर जो है वो बुंडू में स्थित है, जो कि दोस्तों रांची में पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों इस मंदिर का खूबसूरती के कारण पत्थर पर लिखी हुई कविता की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मंदिर पर, यानी कि कौन से मंदिर में पत्थर पर लिखी हुई कविता की संज्ञा दी जाती है, तो आपका सही आंसर होगा सूर्य मंदिर पर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंजन धाम मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, अंजन धाम मंदिर जो है वो अंजन ग्राम गुमला में पड़ता है, वहीं पर स्थित है अंजन धाम मंदिर। और दोस्तों, यहाँ पर माना जाता है कि हनुमान जी का यहाँ पर जन्म हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड धाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झारखंड धाम मंदिर जो है वो गिरिडीह जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, टांगीनाथ धाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों टांगीनाथ धाम मंदिर जो है वो गुमला जिले में स्थित है और यहाँ पर भगवान परशुराम को समर्पित है, यानी कि परशुराम जी का यहाँ पर मंदिर है, ठीक है। टांगीनाथ जो मंदिर है वो परशुराम जी का मंदिर है। तो दोस्तों ये रहे झारखंड के कुछ प्रमुख मंदिर, और दोस्तों जितने भी मंदिर कराए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों आगे इसी तरह का क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।